हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन नेवी SSR AMR 1/2023 बैच के लिए आप सभी 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है, और जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप 2 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं विद योर फोन, अपना फोन यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, पूरा देखने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन करना किन कैंडिडेट्स को है। वो कैंडिडेट्स जो पहली बार अप्लाई करेंगे इंडियन नेवी के अंदर, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैंडिडेट्स जिनको अपनी डिटेल्स याद नहीं होंगी पहले रजिस्ट्रेशन, उन सभी कैंडिडेट्स को भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड नहीं कर पाते हैं तो। और वैसे कैंडिडेट्स जिनको सारी डिटेल्स याद हैं, उन्हें रजिस्टर करने की बिल्कुल नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप जो है आपका वो क्या है, यहां पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है, www.joinindiannavy.gov.in, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी वेबसाइट। यहां पे आने के बाद आपको ये जो ट्रिपल लाइन दिख रही है यहां पे, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहां रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है रजिस्टर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी एंड रजिस्टर विदाउट आधार। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर विदाउट आधार पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये वर्चुअल आईडी वाला अगर आप करेंगे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, विदाउट आधार पर क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी जो आपको फिलअप करनी होगी। यहां पे है गवर्नमेंट स्टेट इशूड फोटो आईडी। तो अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो उसकी जगह कुछ तो आपको देना होगा ना, जो आपका प्रूफ हो आपकी रेजिडेंसी का, आप कहां पे रहते हैं और इन सब चीजों का। तो यहां पे आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे आप वोटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। इन चारों की संभावना कम है क्योंकि आपकी लोगों की ये 16-17 साल है। तो यहां पे आप 10th एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट यूज कर लेना, सबसे ज्यादा लोग यही यूज करते हैं। तो यहां पे इस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपकी सर्टिफिकेट में नंबर होगा, यानी कि जैसे आपकी पासिंग सर्टिफिकेट है तो उसके अंदर जो नंबर होगा ना, उसको आपको यहां पे डालना होगा, यानी जैसे सर्टिफिकेट नंबर करके। ठीक है, तो उसको यहां पे मैं डाल देता हूं, है डिटेल्स। अब उसके बाद क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देंगे। देखते हैं यहां पे सेव पे क्लिक करके, क्लिक कर दिया मैंने। अब एक न्यू पेज ओपन हो जाना चाहिए हमारे सामने, दिस फोटो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहां आप देख सकते हैं यहां लिखा है दिस फोटो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहां देख सकते हैं आप, यहां लिखा है दिस फोटो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अभी यहां पे लिखा आ रहा है दिस फोटो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है दिस फोटो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर फोटो आईडी। मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है इसकी नेवी की वेबसाइट पर, हमें कुछ और डालना होगा, दूसरी फोटो आईडी डालनी होगी और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं, तो एक दूसरी फोटो आईडी डालने के बाद मैंने यहां पे कर लिया है कंप्लीट पहली स्टेप को। उसके बाद देखेंगे आप, यहां पे लिखा है इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन हियर। तो यहां से अगर आपका कोई अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहां डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फादर मदर नेम, गार्जियन नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, डोमिसाइल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डू यू हैव आधार, डू यू हैव पैन, डू यू हैव वोटर आईडी, डू यू हैव पासपोर्ट, डू यू हैव राशन कार्ड, ये सब आपको यहां पे देना होगा। फिर यहां देखो एजुकेशनल डिटेल्स भी दी गई हैं, यहां पे वो भी सिलेक्ट करनी होगी। एंड देन लास्ट में अकाउंट डिटेल्स भी हैं जो हमें यहां पे सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं करता हूं। उसके बाद आप ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है।
को मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया है, लास्ट नेम डाल दिया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी डिटेल्स आप डाल रहे होंगे ना, पर्सनल डिटेल्स जैसे अपना नाम और साथ ही साथ आपके फादर मदर जो भी है उनका नाम, वो सभी डिटेल्स को आपको वैसे ही पुट इन करना है जो आपके 10th या 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे है। यानी जैसे मेरा नाम अभिषेक सिंह है उस सर्टिफिकेट पे, तो मैं यही डालूंगा। ये नहीं कि बीच में कुमार घुसेड़ दूंगा या कुछ और डाल दूंगा, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दी है सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ भी आप ध्यान से डाल देना क्योंकि फिर गलती होगी तो दिक्कत होगी आपको ही, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे देख सकते हो, डोमिसाइल आप देख सकते हो, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, डू यू हैव आधार, पैन, जो भी अगर आपके पास है तो वो डाल देना और इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट स्टेप को। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो है एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, मैं यहाँ 12th साइंस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट स्ट्रीम क्या है भाई, तो मेरी पीसीएम थी तो पीसीएम कर दूंगा। और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, यानी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है क्या, कुछ और मैं कर रहा हूं, तो वो भी मैं यहां पे डाल दूंगा। क्या मैं कर रहा हूं, यानी कि अगर आप कुछ एडिशनल कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको बहुत फायदा देने वाली है ये चीज आने वाले टाइम में। तो मैं यहां पर कर देता हूं सिलेक्ट, एडिशनल को भी हो गया कंप्लीट, ओके। अब आगे अकाउंट डिटेल्स यहां पे पूछी जा रही हैं, जैसे आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, कंफर्म पासवर्ड करना होगा, एंड देन यहां पे डिटेल्स फिलअप करनी होगी। मैं सब कुछ करके आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स मैंने सबसे पहले फिलअप कर दी, अब उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद मैंने एजुकेशनल डिटेल्स भी फिलअप कर दी है, देख सकते हैं आप, और देन लास्ट में मैंने यहां अकाउंट डिटेल्स भी डाल दी, ठीक है। यहां पर ईमेल आएगी इंडियन नेवी की तरफ से, तो इसलिए मैंने यहां ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सब क्रिएट कर दिया। एंड देन आपको क्या करना होता है, ये जो है इनको चेक करना होता है, यानी ये जैसे यहां पे मैंने कर दिया, ठीक है। तो आई एग्री टू सब्सक्राइब टू अलर्ट्स फॉर इंटरव्यू ओपनिंग, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों को यहां पर कर सकते हैं। आप चाहो तो टर्म्स एंड कंडीशन को यहां क्लिक हियर करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए यहां पर सेव पे अब क्लिक करता हूं मैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो यहां सेव कर दिया है, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, काइंडली चेक द स्पैम फोल्डर ऑफ योर मेल बॉक्स इन केस ऑफ द कंफर्मेशन मेल नॉट बीइंग अवेलेबल इन इनबॉक्स फोल्डर। यानी कि अगर आपके इनबॉक्स फोल्डर में नहीं है तो आप स्पैम वाला देख लो, स्पैम में कभी कभी मैसेज आके रह जाता है। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ईमेल जाने के 24 घंटे के अंदर ये वेरीफाई कर लेना है, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, ये साफ साफ यहां पे लिखा गया है। अब चलते हैं ईमेल पे और देखते हैं क्या है ईमेल और कैसे करना है उसे वेरीफाई। देख सकते हैं मुझे स्पैम फोल्डर में जाने की नीड नहीं हुई, मुझे वैसे ही ईमेल आ गई थी। और यहां देखिए इंडियन नेवी की तरफ से है, ये सेम मेल आपको भी आएगी और सेम एड्रेस से भी आएगी, ठीक है। यहां देखते हैं, हेलो अभिषेक, योर ईमेल, जो मेरी ईमेल है, मस्ट बी कंफर्म्ड बिफोर यूजिंग इट टू लॉग इन इन आर साइट। तो यहां पर क्या है, यहां से क्लिक करना है, यानी यहां देख सकते हैं आप, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। तो यहां पे क्लिक करके और कंफर्म करना है कि ये मेरी ईमेल जो है वो कंफर्म है, सही है बिल्कुल। अब यहां पे मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, यानी मुझे अपना फोन नंबर देना होगा और उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, जो भी वेरिफिकेशन के लिए आप दे रहे हो तो वहां पे जो चीजें आप वेरीफाई करोगे, जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, वो सब एटलीस्ट 1 ईयर तो एक्टिव होना ही चाहिए, 1 साल, जब तक ये इनटेक कंप्लीट नहीं हो जाती है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कोई भी नंबर दे देते हो, कोई भी ईमेल आईडी दे देते हो और गुम कर देते हो, भुला देते हो उसे कहीं पे, या वो कहीं खो जाता है आपका, तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए इसे ध्यान से रख लेना, अपने पास लिख कर रख लो, सबसे बेटर रहेगा ये, क्योंकि जब मैं अप्लाई करता था लिख कर रख लेता था सभी चीजों को। अब यहां पे क्या करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए मुझे वो फोन नंबर जो मैंने दिया है उस पे जाना है, और उस पे जो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जो मैसेज आया है वो मुझे देखना होगा। देख लेते हैं क्या है, पे वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए भी जो ओटीपी थी वो आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे वो ओटीपी डालनी है, उसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा एंड देन वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन शायद हमारी कंप्लीट हो गई है, हाँ कैप्चा रॉन्ग है, एक बार मैं इसे फिर से इंटर कर देता हूँ। इंटर करा है कैप्चा को और अब यहाँ पे कंफर्म कर दिया मैंने। यहाँ देखिए, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म्ड, यानी कि मेरा अकाउंट सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है। अब मैं जाकर के लॉग इन कर सकता हूँ और जो भी फॉर्म फिलअप करने की
प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये हो गई रजिस्ट्रेशन। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को 8 तारीख को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद होप करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम। जो भी स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं उन्हें ध्यान से करना, ये नहीं कि थोड़ी सी वीडियो देख ली और फिर कर लिया, थोड़ी सी देख ली फिर कर लिया, अरे हो नहीं रहा है, कैसे बताया है, गलत हो गया, तो ये सब नहीं। ध्यान से देखना पूरा वीडियो और उसके बाद ही करना। बाकी कोई भी कैंडिडेट है जिनको आप शेयर कर सकते हो कर दो, उनकी मदद कर दो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।